हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश काइट यूनिट नंबर सेवेन पेज नंबर सेवेंटी सेवेन स्टूडेंट सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई

आई ऑफन सीट एंड मतलब जो छोटा सा लिटिल बॉय है आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो देखो यहाँ पर छोटा सा जो लिटिल बॉय है वो क्या कह रहा है कि मैं अक्सर यहाँ पर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि कुड बी up in द स्काई अगर मैं काइट होता तो मैं क्या करता अप इन द स्काई मतलब मैं भी हवा में उड़ता राइड मतलब सवारी करना और ब्रीज मतलब जो ठंडी ठंडी मंद हवा होती है उसे कहते हैं ब्रीज तो मैं क्या करता एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो ब्रीज मतलब हवा के ऊपर सवारी करता और जाता तो कहाँ पर जाता रीच एवर वे आई चांस टू ब्लो जहाँ पर भी मुझे उड़ने का मौका मिलता वहाँ पर मैं जाता तो स्टूडेंट आप लोगों को अकाइट पोयम समझ में आ गई होगी तो चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो चलो अभी आप लोगों को पेज नंबर सेवेंटी एट देखना है से अलाउड बी आर आई डी ई ब्राइड तो स्टूडेंट आप लोगों को भी साथ में रीड करना है ये सारे स्पेलिंग्स के प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को बोलने हैं के आई टी ई काइट आर आई डी ई राइड एस आई डी ई साइड एस के वाई स्काई सी ए आर टी काट सी एच ए एन सी ई चांस डी ए एन सी ई डांस एफ ए एस टी फास्ट पी ए आर टी पार्ट तो स्टूडेंट ये सारे वर्ड्स आप लोगों को रेगुलरली रीड करने हैं ओके ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न यहाँ पर रेन के ऊपर पैटर्न दी गई है तो आप लोगों को वो पैटर्न को ट्रेस करना है लुक एट दिस पैटर्न तो आप लोगों को भी ऊपर ट्रेस करना है ओके okay? तो आप लोगों को सारे क्लाउड्स है उसके नीचे जो रेन है वहाँ पर ट्रेस करना है नेक्स्ट यूज द पिक्चर क्ल्यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज कलर द पिक्चर्स सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को क्लूज दिए गए है स्टार्स रेनबो मून एंड सन तो आप लोगों को क्लू यूज करके यहाँ पर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर डे स्काई है एंड नाइट स्काई दिया गया है तो आप लोग बताओ चलो डे स्काई है तो आप लोग क्या देख सकते हो स्काई में सन देखते हो यस yes, तो आप लोगों को भी क्या ड्रॉ करना है सन ड्रॉ करना है और उसके बाजू में आप देख सकते हो नाइट स्काई सो नाइट स्काई में आप दे, क्या देखोगे आप क्या देख सकते हो नाइट स्काई में मून देख सकते हो एंड स्टार्स देख सकते हो राइट right, स्टूडेंट्स तो आप लोगों को नाइट स्काई है उसमें क्या ड्रॉ करना है मून एंड स्टार्स तो स्टूडेंट आप लोगों को ड्रॉ करके फिर उसके अंदर कलर फिल करने हैं ओके स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट यू सी देम ऑल इन द स्काई फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स तो यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये सारे पिक्चर्स आप स्काई में देख सकते हो तो आप लोगों को बॉक्स में यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ड्स दिए गए हैं तो ये वर्ड्स को चूज करके आप लोगों को करेक्ट पिक्चर के नीचे लिखना है सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द सन। सो यू हैव टू राइट हियर एस यू एन सन फर्स्ट पिक्चर कौन सा है सन एस यू एन सन सो यू हैव टू राइट हियर सन देन लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर रेनबो वेरी गुड सो यू हैव टू राइट हियर रेनबो आर ए आई एन B O W rainbow. The next picture. Look at this picture and say which picture is yes. This is the moon. M W -O, o N moon. चलो बताओ next picture कौन सा है Yes. ये क्या है Stars है S T A R S stars. और last picture देख कर बताओ कौन सा picture है Yes. क्लाउड सी एल ओ यू डी क्लाउड वेरी गुड स्टूडेंट्स तो आप लोगों को सारे पिक्चर्स के नेम नीचे फील करने हैं आप लोगों को लिखने हैं ओके चलो अभी टेक्स्ट बुक का पार्ट फिनिश हो रहा है अभी आप लोगों को नोटबुक में लिखना है सो so सबसे पहले आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे ओके देखो न्यू वर्ड्स तो सबसे पहला फर्स्ट न्यू वर्ड इज ब्लो बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो तो ब्लो मतलब एक्चुअली होता है फूंकना पर ये पोयम के मुताबिक ब्लो का मतलब क्या है बहना बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो मतलब बहना नेक्स्ट बी आर डबल ई जेड ई ब्रीज ब्रीज मतलब जो ठंडी ठंडी मंद हवा होती है उसे क्या कहते हैं ब्रीज कहते हैं नेक्स्ट सी एच ए एन सी ई डी चांस मतलब मौका के आई टी ई काइट काइट मतलब पतंग नेक्स्ट एस आई टी सीट सीट मतलब बैठना ओ एफ टी ई एन ऑफन ऑफन मतलब अक्सर मैनी टाइम्स बहुत बार नेक्स्ट इज विश डब्ल्यू आई एस एच विश मतलब हमारी जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं विश डिज़ायर नेक्स्ट इज राइड आर आई डी ई राइड मतलब सवारी करना नेक्स्ट इज अपॉन यू पी ओ एन अपॉन मतलब ऊपर सो स्टूडेंट आप लोगों को ये सारे न्यू वर्ड्स समझ में आ गए होंगे तो ये सारे हार्ड वर्ड्स ये न्यू वर्ड्स है वो आप लोगों को इंग्लिश की नोटबुक में फाइव टाइम्स लिखने हैं कितनी बार लिखने हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को फाइव टाइम्स यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स न्यू वर्ड्स फाइव टाइम्स ओके एंड लर्न ऑल दी न्यू वर्ड्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेक सेंटेंस नेक्स्ट पेज में क्या लिखना है स्टूडेंट मेक सेंटेंस सो फर्स्ट वर्ड इज काइट सो काइट का क्या सेंटेंस बन बनाया है हमने यहाँ पर आई कैन फ्लाई ए काइट मैं काइट को उड़ा सकता हूँ मतलब कि फ्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट इज सीट एस आई टी सीट आई लव टू सीट अंडर ए ट्री मतलब मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद आई लव टू सी इट अंडर ए ट्री सो स्टूडेंट आप लोगों को मेक सेंटेंस थ्री टाइम्स लिखने हैं कितने बार लिखोगे आप थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स ओके स्टूडेंट देन नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट डज द चाइल्ड विश टू बी वॉट डज द चाइल्ड विश टू बी चाइल्ड को क्या बनने की इच्छा है सो आंसर इज द चाइल्ड विश टू बी ए काइट चाइल्ड को क्या बनना है उसकी क्या इच्छा है उसे काइट बनने की इच्छा है द चाइल्ड विश टू बी ए काइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वॉट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज चाइल्ड ब्रीज के साथ क्या करना चाहता है सो आंसर इज द चाइल्ड विशिष्ट टू राइड अपॉन द ब्रीज चाइल्ड क्या करना चाहता है ब्रीज के साथ तो वो सवारी करना चाहता है क्या करना चाहता है राइड अपॉन द ब्रीज मतलब सवारी करना चाहता है ब्रीज के ऊपर बैठकर। ओके स्टूडेंट्स तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आ गए होंगे सो यू हैव टू राइट दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री टाइम्स इन योर इंग्लिश नोटबुक ओके स्टूडेंट्स सो यहाँ पर हमारा एक आइट फिनिश हो रहा है वर्क बुक का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स बाय बाय